बात करेंगे मंडला डिंडोरी के बीजेपी सांसद और केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ का नाम लेते हुए अमर्यादित बयान दिया है। इधर डिंडोरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने फग्गन सिंह कुलस्ते के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे सांसद को हम आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में घर बैठा देंगे। इसके साथ ही ऐसे नेता को पार्टी से तत्काल बर्खास्त करने की नसीहत दी है। देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया किसानों के बारे में। देखो, मैं पहले दिन यहाँ, पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं, हाँ, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी, है, है नहीं कोई, हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संस्कृति और संस्कार के नाम पर राजनीति करते हैं, हम इन्हें गांधीवादी तरीके से समझा देंगे। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, 2024 में केंद्र में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और जो अनावश्यक उलूल जुलूल और झूठे आरोप लगाने वाले जो ये हमारे मंत्री हैं, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम इनको घर बैठा देंगे।